मुजफ्फरपुर में शादी के केवल एक हफ्ते के बाद ही एक नवविवाहिता ने कुछ ऐसा किया था जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। जब तक बात समझ में आती तब तक काफी कुछ हो गया था। दरअसल 112 हेल्पलाइन नंबर से सूचना पहुंची तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। खोजबीन शुरू हुई और पुलिस इस नवविवाहिता तक पहुंच भी गई। लेकिन इसके बाद विवाहिता ने जो कहा वह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस दुविधा में थी कि क्या करें। नवविवाहिता से पुलिस बार बार पूछ रही थी लेकिन उसकी चुप्पी पुलिस वालों को परेशान कर रही थी। इसी बीच उस नवविवाहिता का एक परिजन भी पहुंचा। उसने बताया कि वह उसका बहनोई है। यह सुनते ही पुलिस थोड़ा सहज हुई और नवविवाहिता के मामले का खुलासा उसके बहनोई ने किया कि इसको हवा पानी लग गया है। दरअसल बिहार में बुरी नजर लगने के अंधविश्वास को इसी नाम से जाना जाता है। बहनोई के अलावा अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे तो बताया कि नवविवाहिता ने पोखर में कूदकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन गनीमत की बात रही कि स्थानीय लोगों की नजर लड़की पर पड़ गई। घटना नगर थाना इलाके के साहू पोखर की है। बताया जा रहा है कि लड़की जैसे ही साहू पोखर के बाउंड्री वॉल पार कर पोखर की तरफ जाने लगी, इसी दौरान स्थानीय लोगों ने दौड़कर लड़की की जान बचा ली और इसकी सूचना पुलिस को 112 हेल्पलाइन नंबर से दी। नगर थाना के दारोगा प्रवीण कुमार ने बताया कि कल्पना नाम की एक स्थानीय युवती ने जान देने का प्रयास किया था, जिसको फिलहाल उसके परिजनों को बुलाकर सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार नवविवाहिता की हाल में शादी हुई है। पति से अनबन के बाद वह मायके आई हुई थी। इसी दौरान आज देर शाम उसने आत्महत्या का प्रयास किया है। ढेगरी के परिजनों ने बताया कि एक सप्ताह पहले उसकी शादी हुई है और पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा, जिस वजह से वह मायके चली आई। वहीं पुलिस की पूछताछ में LDDDH की भूत पकद्दी दी एचने की बात कर रही थी। नगर थाना प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।